स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं इन तमाम की मैंने अटेंडेंस जो है वो लगा दी है, और अब मैं जो है वो अपना लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी। जी स्क्रीन नज़र आ रही है सब लोगों को? ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन क्रिटिकल सेक्शन एंड प्रॉब्लम्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आज हम लोग सिंक्रोनाइजेशन जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अक्सर नेटवर्क के अंदर तो हम लोग बकायदा फिजिकली कमांड दे के अपना सारा डाटा जो है वो सिंक्रोनाइज करवा लेते हैं कि हमारी जो मेन लोकेशन है उसके ऊपर, तो सेम काम ऑटोमेटिकली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बैकएंड पे जो है वो कर रहा होता है। तो देखते हैं जी कैसे ये काम करता है या क्या इसके मीनिंग्स हैं, इसको मैं स्टडी करने शुरू कर रहे हैं हम लोग। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मींस शेयर सिस्टम रिसोर्स बाय प्रोसेस इन अ सच अ वे दैट कॉन्करेंट एक्सेस टू शेयर डेटा इज हैंडल्ड बाय देयर बाय मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ इनकंसिस्टेंट डेटा। वो कहता है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यही है कि आप अपने सिस्टम जो है, सिस्टम का जो प्रोसेस है वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करें। अब उसके जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी आईओ डिवाइसेज हैं, आपका डेटा है, आपके प्रिंटर्स हैं, यानी कि आपकी आईओ डिवाइसेज, आपके बायोमेट्रिक डिवाइसेज, आपकी जो डेटा है, इन सब के सब जो ये चीजें हैं ये आपके ओएस के रिसोर्सेज हैं जिनको ओएस जो है बआसानी जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है। मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी डिमांड्स मैकेनिज्म टू इंश्योर सिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन ऑफ द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। वो कहता है कि ये क्या होता है कि डाटे को मेंटेन करता है प्रॉपर तरीके से और उसको सिंक्रोनाइज करता है ताकि जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो कोऑपरेटिव तौर पे प्रोसेसिंग में प्रॉपर तरीके से हो सके। ऑन द बेसिस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेसेस आर कैटेगराइज एज वन ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप। वो कहता है कि सिंक्रोनाइजेशन की दो डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि प्रोसेसर को हैंडल करता है, प्रोसेसर की सिंक्रोनाइजेशन करता है। एक है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दूसरा है कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जी आपका, एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर प्रोसेस, कि जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, उसका असरअंदाज नहीं होता एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसर, दूसरे प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन पे। यानी कोई भी काम एक ही वक्त में अगर एक ही प्रोसेसर जो है वो मल्टी काम कर रहा है तो उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर पहले वाले प्रोसेस को दूसरे वाले प्रोसेस के ऊपर किसी भी किस्म का कोई जो है वो असरअंदाज नहीं है, या कोई भी आप ये कह सकते हो इफेक्टेड वो नहीं होते। कोऑपरेटिव प्रोसेस है जी, एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर प्रोसेस। कोऑपरेटिव में क्या होता है कि दो प्रोसेस अगर एट अ टाइम चल रहे हैं और उसके अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो दोनों के ऊपर इफेक्ट होगा, ना कि इंडिपेंडेंट में क्या है कि इंडिपेंडेंट में अगर एक प्रोसेस चल रहा है दूसरा भी साथ चल रहा है तो वो जो एक चल रहा है उसके अंदर कोई इशू आ रहा है, कोई फॉल्ट आ रहा है तो सिर्फ वही वर्क करेगा, बाकी जो है वो खुद ही करता रहेगा, वो दूसरे पर असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन कोऑपरेटिव में क्या होगा कि अगर दोनों प्रोसेस चल रहे हैं किसी एक में फॉल्ट आ रहा है तो दोनों में ही इश्यूज जो है वो होंगे। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम अराइज इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस आल्सो बिकॉज रिसोर्सेज आर शेयर्ड इन कोऑपरेटिव प्रोसेस। वो कहता है कि कोऑपरेटिव प्रोसेस और जो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है ये ज्यादातर जो है एक दूसरे के रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से शेयर कर रहे होते हैं। रेस कंडीशन, व्हेन मोर देन वन प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग द सेम कोड, जब एक ही प्रोसेस दो मुख्तलिफ कोड्स को या सेम कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और एक्सेसिंग द सेम मेमोरी, और एक ही मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, और एनी शेयर वेरिएबल इन द कंडीशन देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट द आउटपुट और द वैल्यू ऑफ द शेयर वेरिएबल इज रॉन्ग सो फार दैट ऑल द प्रोसेस डूइंग द रेस ऑफ द से दैट माय आउटपुट इज करेक्ट, दिस कंडीशन नोन एज द रेस कंडीशन। वो कहता है कि रेस कंडीशन क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस जो है वो वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल मेमोरी जो है वर्क कर रही है, लेकिन सारे के सारे एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, एक ही प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जितनी भी बमबार या जितनी भी ज्यादा प्रोसेसिंग हो रही है वो सारे की सारी रेस कंडीशन में चली जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड इतनी होगी कि प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो हाई हो जाएगी और उसमें वो डाटे को प्रोसेस करने को, डाटे को शेयर करने में जितनी ज्यादा उसकी वर्किंग हो सकती है वो करेगा।
Several process execs and process the manipulation over the same data concurrently. Then the outcomes depend on the particular order in which the execs take place. वो कहता है कि इसमें क्या होगा, several processing जो है वो कर रहे होते हैं और manipulate data जो है वो एक ही वक्त में जो है concurrently यानी exact level पे पहुंच रहा होता है. डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना ऑर्डर जो है वो एक्सेस कर रहा है या अपना उस टेक प्लेस पे उस खास जगह के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है. द रेस कंडीशन, अ रेस कंडीशन इज अ सिचुएशन दैट मेनी अकर इनसाइड अ क्रिटिकल सेक्शन. वो कहता है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर बहुत सारे रेस की सिचुएशन जो है यानी उसकी जो प्रोसेसिंग की जो कंडीशन है उनको चेक कर रहे होते हैं. दिस हैपन व्हेन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड execution in the critical section differing according to the order in which the thread execute. वो कहता है कि इसका happen क्या होता है कि multiple threads जो है वो execute हो रहे होते हैं critical section के अंदर और उस वक्त वो thread जो है execute होते हैं जब उनका order जो है वो proper तरीके से execute. अगर वो unorderly execute होना शुरू हो जाएंगे तो automatically उनकी problem जो है वो बढ़ सकती है. Race condition is critical section can be avoided if the critical section is treated as a automatic instruction. वो कहता है कि race condition या critical section उस वक्त तक वो करता है और ये avoid करता है कि जो automatic instructions को जो वो treat कर रहा होता है उन चीजों को वो avoid कर रहा होता है क्योंकि उस दौरान वो अपने thread जो है वो उनको proper तरीके से signalize कर रहा होता है. Also proper thread synchronization using logs and automatic variable can prevent race condition. क्योंकि उस वक्त उसके जो variables हैं आपके जो थ्रेड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वो हैंडल कर रहा होता है. और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके ये लूप्स हैं. लूप्स में अक्सर ही इस तरह के थ्रेड्स इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो हमें मिलती हैं. क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कैसे है जी, वो क्रिटिकल सेक्शन इज अ कोड सेगमेंट. वो कहता है कि क्रिटिकल सेक्शन जो है वो बेसिकली एक कोड का सेगमेंट है दैट कैन बी एक्सेस बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम, जो कि एक ही वक्त में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है. क्रिटिकल सेक्शन कंटेन शेयर्ड वेरिएबल विच नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा वेरिएबल. वो कहता है कि क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है कि आपके जितने भी वेरिएबल हैं वो शेयर होते हैं. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक लूप लगा रहे हो, आप लूप ने आपने कंडीशन लगा दी 10 तक, तो वो क्या होगा कंटिन्यू 10 तक जो वैल्यू है एग्जीक्यूट होगी. अगर उसी के अंदर आप उसकी वैल्यू को चेंज कर दो, आप ओड इवन में चले जाते हो या आप इनफिनिटली लूप में चले जाते हो, तो वही प्रोसेस जो है वो क्या होता है वो एग्जीक्यूट तो होते हैं लेकिन उसमें आपके जो आउटपुट है वो थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है और साथ में मेमोरी और प्रोसेसर जो है उनको लेके चलते हैं. यहाँ पे जैसे कि लूप वाइल आपको लग रहा है कि ये आपका एंट्री सेक्शन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी आप जो भी वेरिएबल डिस्प्ले करना चाह रहे हो आप उसमें, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है. इसमें आपने वो कंडीशंस देनी है जिन कंडीशन को ये एग्जीक्यूट करेगा और वो कंडीशन जो है वो आपकी मेमोरी के साथ मैच करके प्रोसेसिंग के साथ मैच करके जो है वो एग्जीक्यूट करेगा सिंक्रोनाइज करेगा और बाद में हमें जो है उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर रहा होगा. इन द एंट्री सेक्शन द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर एंट्रिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन. एंट्री सेक्शन क्या होता है, वो बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो है वो मूव होना चाह रहे हैं और ये काम बाय कोड जो है वो हम करवा रहे होते हैं सिस्टम से. बाज़ कत हम अपने सिस्टम को इनफिनाइट में लेके चले जाते हैं, बाज़ कत हम सिस्टम को ब्लॉक्स में लेके चले जाते हैं, बाज़ कत हम अपने सिस्टम को जो है वो कंटिन्यूस स्टेटमेंट या गो टू वर्क स्टेटमेंट लगा के स्टॉप कर लेते हैं या कंटिन्यू कर. यहाँ पे आपको एंट्री सेक्शन क्या है जी, कंट्रोल द एंट्री इन टू क्रिटिकल सेक्शन एंड गेट्स अ लॉक ऑन अ रिक्वायर्ड रीजन रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक वो अपना एंट्री सेक्शन जो है वो उसको लेके एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट है जी एग्जिट सेक्शन क्या है जी, क्रिटिकल सेक्शन में तो क्रिटिकल पार्ट है ही है आपके पास. एग्जिट सेक्शन क्या करेगा, रिमूव द लॉक फ्रॉम द रिसोर्सेज एंड लेट द अदर नो दैट इट्स क्रिटिकल सेक्शन इज ओवर. और यहाँ पे लॉक लगेगा और ये आपको बताएगा, आप ब्रेक की स्टेट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, सेट डब्ल्यू की स्टेट में इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जिनको हम इस्तेमाल करके अपने सेक्शन को जो है वो लॉक कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं. एनी सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट. वो कहता है कि इसकी तीन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको सेटिस्फाई कर सकती हैं कि क्रिटिकल सेक्शन से हम या उसके प्रॉब्लम से हम लोग कैसे जो है वो उसका सोल्यूशन निकाल. सबसे पहले म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग
in its critical section, then no other process is allowed to execute in the critical section. अगर एक process में execution हो रही है और वो critical section में चली गया है, तो दूसरे process को ये allow नहीं है कि वो अपनी critical section को execute कर सके. Next है जी progress. If no process is executing, अगर तो किसी किस्म का कोई process execute नहीं हो रहा in the critical section के अंदर, and other processes are waiting outside the critical section, तो दूसरा जो है आपके प्रोसेसिंग जो है वो आउटसाइड उस क्रिटिकल सेक्शन के आउटसाइड पे जो है एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, देन ओनली दोज प्रोसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इन देयर रिमाइंडर सेक्शन कैन बी पार्टिसिपेट इन द इन डिसाइडिंग विच विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट. वो कहता है कि इससे क्या होगा कि एग्जीक्यूशन तो हो रही होगी लेकिन वो सेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे और उन सेक्शन के अंदर नेक्स्ट क्रिटिकली जो डिसीजन मेकिंग है वो हो रही होगी और वो उसको चेक कर रहा होगा और देख रहा होगा प्रोसेसर कि कौन कौन से थ्रेड्स जो हैं वो हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कौन कौन से थ्रेड जो हैं उसमें प्रोसेस और थ्रेड जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में चले गए हैं, कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो एग्जीक्यूट होके स्टॉप हो चुके हैं. ये सारी चीजें प्रोग्रेस के अंदर जो है हमें पता चल रही होती हैं. एंड द सिलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इन Identify leave. और कहता है कि जो इसकी सिलेक्शन है वो कभी भी पोस्टपोन जो है वो नहीं हो सकती, वो लाजमी इन तमाम को अपने साथ जो है वो एग्जीक्यूट करता है. नेक्स्ट हमारा है जो बाउंडेड वेट. अ बाउंड मस्ट एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइम दैट अदर प्रोसेस आर अलाउड टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर its critical section and before the request is granted. Request is granted. वो कहता है कि bound में क्या होता है कि bound के अंदर कोई भी process जो है वो एक उसका number generate हो जाता है और वो number critical section में जाके उसकी permission लेता है, उसके बाद जो है वो उस process को जो है वो execute करता है और उस request को जो है वो जब तक कि वो उसकी granted नहीं हो जाती उससे पहले वो उसकी परमिशन लेता है, परमिशन लेने के बाद उस रिक्वेस्ट को प्रॉपर तरीके से ग्रांट करने के बाद जो है वो एग्जीक्यूट कंडीशन में जो है वो डाल देता है. अब इसमें एक जो आपके कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं का एक एल्गोरिथम है, प्रिस्टन सॉल्यूशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. प्रिस्टन सॉल्यूशन, इस प्रिस्टन की अगर आपने सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ी है, होस्ट टू से कि आपको प्रिस्टन की ही बुक्स जो है वो लगी हो और उन बुक्स के अंदर आपको ऐसे लॉजिकल जो चीजें मिलेंगी कि आप सी में आपको जितने भी अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग है तो आप इसी पर्सन की जो है बुक्स इस्तेमाल करें. प्रेसमैन की बुक्स है, प्रिस्टन की बुक्स जो है वो ज्यादातर इसने लिखी है, रॉक्स है, रॉक्स में आपको इस तरह के सोल्यूशन बहुत ज्यादा मिल जाएंगे. प्रिस्टन सोल्यूशन इज अ क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. वो कहता है कि प्रिस्टन सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि क्लासिकल सॉफ्टवेयर है लेकिन आपके क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को हल करता है. इन प्रिस्टन सोल्यूशन वी हैव टू शेयर वेरिएबल. इसमें हमारे पास दो वेरिएबल ऐसे हैं जो कि शेयर किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक प्रोग्राम देख रहे हो, इस प्रोग्राम के अंदर आपको दो वेरिएबल जो है वो दिए गए हैं, फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू और टर्न इज इक्वल टू जे, और वाइल के अंदर इसको एंड और इज इक्वल ऑपरेटर लगा के जो है वो डिस्प्ले किया गया. अब इस कंडीशन में वो क्या करेगा वो देखते हैं जी. बुलियन फ्लैग आई इनिशियलाइज टू फॉल्स इनिशियली नो वन इज इंटरेस्टेड इज entering the critical section. वो कहता है कि इसको initialize जब किया जाता है तो basically false होता है. अब अगर false है तो कोई भी critical section में enter नहीं हो सकता, यानी कोई भी data जो है वो या कोई भी process या कोई भी thread जो है वो आपका critical section में enter नहीं हो सकता. Integer turn, the process whose turn is to enter the critical section, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो कि आपने टर्न आउट करना है किसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, प्रिस्टन सॉल्यूशन प्रिजर्व ऑल थ्री कंडीशंस. वो कहता है कि ये तीनों कंडीशंस को जो है वो तीनों कंडीशन के ऊपर जो है अप्लाई होता है. मैक्चुअल एग्जीक्यूशन इज अश्योर एज ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम. वो कहता है कि अगर म्यूचुअल एग्जीक्यूशन की हम बात करें तो उस वक्त किसी भी टाइम ये प्रोसेस को जो है वो एक्सेस देता है और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर किसी भी टाइम जो है वो एंटर हो जाता है. प्रोग्रेस इज आल्सो अज्योर्ड
as a progress outside the critical section does not block other process from entering the critical section. और वो कहता है कि अगर हम progress की बात करें तो progress क्या करेगा कि आपके critical section के outside के ऊपर रहेगा और एक इसके अंदर एक block सा जो है वो create कर लेगा और उस block के अंदर किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे अगर आप देखें तो इस क्रिटिकल सेक्शन के इर्द गिर्द एक ब्लॉक सा जो है वो एंटर हुआ हुआ है और रिमाइंडर सेक्शन के अंदर भी एक ब्लॉक से एंटर हुआ है और कोई भी थ्रेड कोई भी प्रोसेस जो है वो हमारा इस ब्लॉक के अंदर जो है वो डायरेक्टली एंटर नहीं होगा. हमें कोई ना कोई कोड ऐसा लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई कोड ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो है वो हमें लेके जाए और हमारा वो जो कोड का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो. Bound waiting, bounded waiting is preserved as every process gets a fair chance. वो कहता है कि जो bounded है वो भी await कर रहा होता है, वो preserve कर रहा होता है कि इनके जो process है वो कितने chance जो है वो. Disadvantage क्या है जी, it involve by waiting or its limit of two process. यानी कि एक तो problem ये है कि इसको हमें purchase करना पड़ेगा, buying waiting है, busy है, बिजी हो जाता है, परचेज नहीं करना पड़ता. इसका मतलब ये है कि आप ये जो भी जब ये वर्किंग करता है तो ये सिस्टम को आपके थ्रेड्स को आपके प्रोसेस को बिजी कर देता है. दूसरा ये है कि इसकी लिमिट है, एक ही वक्त में सिर्फ दो प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट. यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं. ओके जी, नेक्स्ट हमारा है सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर. पहले था हमारा सॉफ्टवेयर के लिहाज से, यानी हम लोग जो भी डिवाइसेस आयो डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बायोमेट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, हर डिवाइस के साथ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जरूर होता है जो कि आपका ओएस जो है उसको हैंडल कर रहा होता है. अब सेम काम सॉफ्टवेयर के साथ साथ जो है वो आपका हार्डवेयर भी कर रहा होता है. अब हार्डवेयर की सिचुएशन है जी, वो देखते हैं कैसे है. मैनी सिस्टम प्रोवाइड हार्डवेयर सपोर्ट फॉर क्रिटिकल सेक्शन कोड. वो कहता है कि कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो के हार्डवेयर की सपोर्ट को भी क्रिटिकल सेक्शन के कोड को हार्डवेयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं. द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व इजीली इन अ सिंगल प्रोसेस एनवायरनमेंट इफ वी कुड डिसअलाउ इंटरप्ट्स टू अकर व्हाइल अ शेयर्ड वेरिएबल और रिसोर्स इज बीइंग मॉडिफाइड. अब यहां पे बात हो रही है इंटरप्ट्स की. होप टू से कि आप लोगों ने अगर असेंबली लैंग्वेज पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने रजिस्टर्स को डिस्कस किया होगा, फिर आप लोगों ने आप कमांड्स हैं, मूव आपके इंटरप्ट है, जंप है, इस तरह के मल्टी कमांड्स आप लोगों ने होप टू से के डिस्कस की होंगी. लेकिन जितनी भी इंटरप्ट्स हैं ये सारी की सारी असेंबली लैंग्वेज. क्यों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सी एंड सी प्लस प्लस जो है ये हमारी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रही होती है और जो हमारा असेंबली लैंग्वेज है, जितनी भी हार्डवेयर का कोड है, जितना भी इंटरप्ट्स का कोड है, जितने भी हमारे एड्रेसेस हैं हार्डवेयर के, उन तमाम को जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है. तो असेंबली लैंग्वेज के जरिए हम ये कोड कर सकते हैं. हम लोग सी को भी इस्तेमाल करते हुए असेंबलर का कीवर्ड इस्तेमाल करते सी के अंदर भी डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज की जो कोडिंग है वो करके ये काम कर सकते हैं. तो इसलिए वो कह रहा है कि कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना इतना इजी नहीं है. आप उसको जब तक वो डिसअलाउ नहीं करेगा, यानी कि जो इंटरप्ट्स आप अप्लाई करोगे वो इंटरप्ट्स जब तक उस हार्डवेयर के साथ मैच नहीं होंगी, मॉडिफाई नहीं होंगी, अपने शोर रिसोर्सेज को शेयर नहीं करेंगी, उस वक्त तक आप अपना क्रिटिकल सेक्शन जो है वो हार्डवेयर से निकाल नहीं सकते. इन दिस मैनर वी कुड बी श्योर दैट द करंट सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन वुड बी अलाउड टू एग्जीक्यूट इन ऑर्डर विदाउट प्रिजम्पशन. वो कहता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो करंट सीक्वेंस चल रहा होता है हदायत का, उसके अंदर तमाम की तमाम एग्जीक्यूशन जो है वो एक ही फॉर्म में एक ही हिसाब में चल रही होती है. अनफॉर्चुनेटली द सोल्यूशन इज नॉट फिजिबल इज अ मल्टी प्रोसेस इन्वायरमेंट. और वो कहता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट हो रही है वहां पे ये सोल्यूशन फिजिबल नहीं है. यानी वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि आप फॉर एग्जाम्पल वहां पे 12 14 20 के करीब डिवाइसेज लगी हुई हैं और आपने तमाम डिवाइसेज को सिंक्रोनाइजेशन पे लगा दिया तो ये पॉसिबल नहीं है. क्योंकि मल्टी प्रोसेसर के अंदर जब भी आप सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर की करोगे तो एक टाइम लिमिट आपको लगेगा और अगर ये डिवाइसेज मल्टीपल हो गई तो इसलिए वो कह रहा है कि ये फिजिबल नहीं है कि आप मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट में बैठ के अपना हार्डवेयर की जो है वो सिंक्रोनाइजेशन करें. डिसेबलिंग इंटरप्ट्स ऑन अ मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एज द मैसेज इज पास टू ऑल द प्रोसेसर.
वो कहता है कि इससे क्या आपको डिसेबल करनी पड़ेगी इंटरप्ट के थ्रू, यानी आपको ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी अगर आप मल्टी प्रोसेसर पे करना चाह रहे हो, मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में जाना चाह रहे हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो इंटरप्ट को डिसेबल करना पड़ेगा। जब वो डिसेबल हो जाएंगे तो तमाम प्रोसेसर को ये पास करवाना पड़ेगा थ्रू कोड, ताकि वो जो हार्डवेयर की सिंक्रोनाइजेशन जो है वो मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट में चला सके। दिस मैसेज ट्रांसमिट लैग डिले एंट्री ऑफ द थ्रेड इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड द सिस्टम एफिशिएंसी डिक्रीज। वो कहता है कि इससे क्या होगा, सिस्टम की जो वेरिएशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक ही वक्त में आप मल्टीपल काम करवा रहे हो, मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है और साथ में हम सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा सिस्टम आपका डाउनवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जी म्यूटेक्स लॉक। म्यूटेक्स लॉक क्या है जी, एज द सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर सोल्यूशन इज नॉट इजी टू इंप्लीमेंट फॉर एवरीवन। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे हम हार्डवेयर की जो सिंक्रोनाइजेशन के सोल्यूशन है वो हर जगह पे इंप्लीमेंट कर दें। आ स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर अप्रोच कॉल्ड म्यूटेक्स लॉक वाज इंट्रोड्यूस। वो कहता है कि इस काम के लिए क्या है, म्यूटेक्स लॉक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन दिस अप्रोच इन द एंट्री सेक्शन ऑफ कोड अ लॉक इज रिक्वायर्ड ओवर द क्रिटिकल सोर्स मॉडिफाई एंड यूज इन साइड क्रिटिकल सेक्शन एंड इन एग्जिट सेक्शन दैट लॉक इज रिलीज। वो कहता है कि इस कंडीशन में क्या है कि आपको जो भी म्यूचुअल सेक्शन मिल रहा है, आपने उस म्यूचुअल सेक्शन को देखते हुए अपने इस म्यूचुअल लॉक को जो है वो अप्लाई करना है। ये नहीं है कि आपने मल्टी प्रोसेसर में काम कर रहे हैं और साथ में सिंक्रोनाइजेशन भी करवा रहे हैं, तो हर हार्डवेयर के ऊपर वो काम नहीं हो सकता। उसके लिए आपने ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है म्यूटेक्स लॉक्स का, और उसकी मदद से तमाम रिसोर्सेज को मॉडिफाई करने के बाद उसके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इस लॉक को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब है जी प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, कि सिंक्रोनाइजेशन की क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस हो सकती हैं। बिलो आर सम ऑफ द क्लासिकल प्रॉब्लम डिस्पिटिस फॉल ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन द सिस्टम वेयर कोऑपरेटिंग प्रोसेस आर प्रेजेंट। वो कहता है कि जहां पे आपके कोऑपरेटिव प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं वहां पे ये जो है वो इजीली वर्क कर रहे होते हैं और इजीली अपना जो है वो सिंक्रोनाइजेशन जो हो रही होती है। आगे है जी बाउंडेड बफर प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रॉब्लम। नंबर टू है डिंगिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। नंबर थ्री है द रीडर्स राइटर प्रॉब्लम। ये तीन वो प्रॉब्लम्स हैं जो सिंक्रोनाइजेशन को जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज जनरलाइज्ड इन टर्म ऑफ प्रोसीजर कंज्यूमर प्रॉब्लम वेयर अ फिनाइट बफर पूल इन यूज टू एक्सचेंज मैसेज बिटवीन प्रोसीजर एंड कंज्यूमर प्रोसेस। वो कहता है कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको जनरलाइज किया जाता है, जनरलाइज करने के बाद कंज्यूमर से उस प्रॉब्लम को देखा जाता है कि इसकी फिनाइट, यानी कि आप मैंने पहले बताया कि अगर फिनाइट लूप चल गया है तो उस लूप को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस, कौन सा फंक्शन जो है वो इस वक्त लगा सकते हैं और जो भी मैसेजेस है वो हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। बिकॉज द बफर पूल हैज मैक्सिमाइज्ड साइज दिस प्रॉब्लम इज ऑफन कॉल्ड बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। क्यों, इसका साइज बहुत बड़ा है इसलिए हम इसको बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी कहते हैं। सोल्यूशन ऑन दिस प्रॉब्लम इज, अब इसका सोल्यूशन भी ये क्रिएटिंग टू कंटिन्यूइंग सो फॉर फुल एंड एम्प्टी टू कीप ट्रैक ऑफ द करंट नंबर ऑफ फुल एंड एम्प्टी बफर। वो कहता है कि इसका हल क्या है, इसका हल यह है कि आप साथ में ही फुल और एम्प्टी के नाम से दो जो है वो सेगमेंट क्रिएट कर दें ताकि जो भी डाटा है वो इन्हीं के अंदर जो है वो मूव होता रहे और किसी भी किस्म का बफर जो है वो प्रॉब्लम में ना आए। डिंगिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम्स हैं जी। इन डिंगिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू अ ग्रुप ऑफ प्रोसेस डेडलॉक एंड सर्वेशन फ्री मैनर्स। वो कहता है कि जी दो तरह के है, एक है डेडलॉक फ्री और दूसरा है सर्वेशन फ्री मैनर्स। दोनों को जो है वो फिलोसोफर पैनल के अंदर जो डिंगिंग प्रॉब्लम के अंदर ग्रुप्स की फॉर्म में जो है वो लिया जाता है। देर आर फाइव फिलोसोफर सिटिंग अराउंड आ टेबल। एक टेबल के दरमियान वो अब एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर पांच डिफरेंट फिलोसोफर बैठे हैं इन विच देर आर फाइव चॉपस्टिक फ्लोर कैप्ट बिसाइड देम एंड अ ब्लो ऑफ राइस इन द सेंटर। और वो कहता है कि इनके दरमियान में कुछ चिपस्टिक्स पड़ी हैं, कुछ फ्लोक्स पड़े हैं और साथ में कुछ राइस पड़े हैं। वेन अ फिलोसोफर वांट्स टू ईट, जब भी फिलोसोफर से खाना चाहता है ही यूज टू चिपस्टिक, तो वो दो तरह के चिपस्टिक इस्तेमाल करता है, वन फ्रॉम देयर लेफ्ट और सेकंड फ्रॉम द राइट राइट। तो वो दो डिफरेंट स्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और उन स्टिक्स की मदद से उन राइस को जो है वो खा सकता है। वेन अ फिलोसोफर वांट्स टू थिंक, अगर वो इसके बारे में सोचता है ही कीप्स डाउन
बोथ स्ट्रिप स्टिक एट देयर ओरिजिनल प्लेस, तो वो सबसे अगर वो सोचता है तो क्या करता है, वो दोनों स्टिक्स को, अक्सर आपको चाइनीज को देखा होगा कि वो स्टिक से खाना खाते, तो जब कोई काम होता है क्या करते हैं, वो दोनों स्टिक्स को ही प्लेस करते हैं, उसके बाद जो है वो उसके बारे में वो जो है वो थिंक कर रहे होते हैं। द रीडर राइटर प्रॉब्लम, द रीडर राइटर प्रॉब्लम के अंदर जी, इन दिस प्रॉब्लम देयर आर सम प्रोसेस कॉल्ड रीडर्स। वो कहता है कि इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ा जो प्रोसेस है वो क्या है, वो आपका रीडर है। डेट ओनली रीड द शेयर डाटा, जो क्या करता है आपके डाटे को, शेयर डाटे को रीड कर रहा होता है, एंड नेवर चेंज इट, और उसको कभी भी चेंज नहीं करता। एंड देयर आर अदर प्रोसेस कॉल्ड राइटर, और दूसरे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो हमारा राइटर है। Who may change the data in addition to read and or instead of reading it? वो कहता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो डेटे की एडिशन कर सकते हैं, डेटे में चेंजिंग ला सकते हैं, दोनों कंडीशन में, डेटे को रीड करते हुए और डेटे को राइट करते हुए, इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट, यानी उसको आपने इतना रीड नहीं करना, लेकिन आप उसको राइटर जो है वो राइट करते हुए इसमें कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रीडर्स राइटर प्रॉब्लम, मोस्ट इन सेंटर ऑन रिलेटिव प्रायोरिटीज ऑफ रीडर एंड राइटर। वो कहता है कि बहुत ज्यादा टाइप्स हैं रीडर एंड राइटर्स की, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं या प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, काफी सारी ऐसी हैं जो कि सेंट्रली तौर पे जो है वो प्रायोरिटी के करीब हैं, और प्रायोरिटी के अंदर ही बैठे हुए वो डेटे को रीड्स भी कर रही होती हैं और डेटे को राइट्स भी कर रही होती हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अब मैं अटेंडेंस शेयर करने लगा हूं, जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट्स बोलेंगे, बाकी जो है उसको व्यू करेंगे। अटेंडेंस मैंने शेयर कर दी है, होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को अटेंडेंस नजर आ रही होगी।